नमस्कार दोस्तों, आज हम जानते हैं जॉब और बिजनेस के बारे में। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका एक ही क्वेश्चन होता है कि मैं जॉब करूं या बिजनेस। तो एक बिल्कुल नॉर्मल अंतर हम समझाते हैं आपको जॉब और बिजनेस के बारे में। तो जानते हैं जॉब और बिजनेस में क्या फ़र्क है। देखिए, जॉब को लेकर चलते हैं। अगर हम जॉब करते हैं, हमारी अगर जॉब लग जाती है 40,000 रुपए से स्टार्टिंग है, ठीक है, 40,000 से 80,000 रुपए से स्टार्टिंग है, 40,000 से 80,000 रुपए अगर स्टार्टिंग है, और हम जॉब करते करते जिस उम्र में पहुंचे, उस उम्र में जो सैलरी पहुंच रही है वो समथिंग 2 लाख के आसपास अगर पहुंच गई, और उसमें हमने बंगला बना लिया, घर बना लिया, जो भी बनाया वो हमारी पूंजी हो गई। लेकिन जो इसकी पीढ़ी होगी, जो जॉब करने वाला कैंडिडेट है उसकी जो पीढ़ी होगी, वो जब जॉब करेगा तब भी हो सकता है वो 40,000 से 80,000 रुपए पर मंथ में ही जॉब करेगा। तो उसकी प्रॉपर्टी उस समय जो ऑलरेडी बनी हुई है उतनी ही रहेगी, लेकिन उसकी स्टार्टिंग सैलरी इतनी ही होगी। लेकिन अब आते हैं बिजनेस पे फोकस करते हैं। अब बिजनेस क्या होता है? बिजनेस का मतलब ये है कि जब हमने अगर 40,000 से 80,000 रुपए इन्वेस्ट किया, 40,000 से 80,000 रुपए अगर हमने इन्वेस्ट किया, उस 40,000 से 80,000 रुपए में जो हमारा बिजनेस का टर्नओवर एक साल का है, वो फॉर एग्जांपल अगर 10 करोड़ रुपए हो गया, 10 करोड़ रुपए हो गया, तो ये जो 10 करोड़ रुपए है, जब उसके पिता उस बिजनेस को छोड़ेंगे, तब जो बेटा होगा वो 10 करोड़ का मालिक होगा। ये फर्क है जॉब और बिजनेस में। अब सेलेक्ट आपको करना है कि आप जॉब करना चाहते हो या बिजनेस। थैंक यू।